सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली. उसमें का फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जिस तरीके से आपको दिया गया है उस तरीके से मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स. तो पहले इससे सॉल्व करना है. तो जहाँ पे अपने दिल से तीन बॉक्स बनाने हैं, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एक्स वाई और एक्स वाई, ऐसे तीन बॉक्स बना के इस तरीके से मेंशन करने हैं. हाँ, अपने दिल से कोई भी नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो मुझे कंफर्टेबल है या जो आपको कंफर्टेबल है, उसमें से कोई भी एक इसको एक्स या वाई को आप कंसिडर कीजिए और अपने दिल से 1, 0, -1, 2 एनी थिंग नंबर यू कैन मेंशन देयर, नो प्रॉब्लम. और उसे प्रॉपरली पुट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1, 0, -1, ये तीन नंबर हमारे दिखाई दे रहे हैं. अब इसे वन बाय वन पुट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 1, देन इक्वेशन में x की जगह हमें 1 लिखना है, प्लस y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू प्लस है तो इधर में जाके माइनस होगा और y की वैल्यू होगी 5, देन इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 एंड 5. सेम वे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने पर हमें 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 इज 6 माइनस 0 इज ऑलवेज 6, दैट्स वाई y इज इक्वल टू 6. तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 6. अब थर्ड इसमें हमने -1 मेंशन किया है. -1 हम ऐसा ज़रूरी नहीं कि माइनस ही पुट करें, प्लस ही पुट करें, आपको जो लगता है आप उसे पुट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. x इज इक्वल टू -1 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 प्लस 1, y इज इक्वल टू 7, देन कोऑर्डिनेट विल बी -1 -7. सेम वे हमें दूसरा इक्वेशन इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसके साइड बाय साइड ही सॉल्व करना है. जब हम आंसर पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें उसे साइड बाय साइड ही सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से उसको मेंशन किया है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन यहाँ पे फिर से 1, 0, -1. मैंने यहाँ पर भी सेम नंबर लिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जो नंबर मैंने लिए है वही नंबर आप लो. आप अपने दिल से कोई भी नंबर लीजिए, बस कोऑर्डिनेट लिखते समय और कोऑर्डिनेट मेंशन करते समय उसको प्रॉपरली मेंशन कीजिए, आपका ग्राफ और आपका आंसर सेम आएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो जैसे 1, 0, -1 ये अक्सर नंबर छोटे होते हैं, इसलिए छोटे नंबर लेने से हमें ग्राफ भी छोटा बनाना पड़ता है, ज़्यादा हमें तकलीफ नहीं होती है, इसलिए हम छोटे नंबर लेते हैं. तो अब जिस तरीके से मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, 1 - y = 4, -y = 1 - 1, प्लस है इधर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 1 = 3. अब माइनस वाई है तो आपको पता है कि ये जो साइन है ये क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -3, देन कोऑर्डिनेट विल बी 1 - 3. सेकेंड इसमें हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया है, 0 - 4 y = 4. अब 0 में हम कुछ भी ऐड करो या माइनस करो, आंसर उतना ही रहने वाला है, इसलिए इसका आंसर आता है 4. y इज इक्वल टू 4, जैसे मैंने बताया कि साइन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो y इज इक्वल टू -4 इसका आंसर आएगा और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -4. अब थर्ड नंबर लेंगे, x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू होगी -y = 5, साइन ट्रांसफ़र होने पर y = -1, देन कोऑर्डिनेट विल बी -1 एंड -5. तो इस तरीके से हमें दोनों बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से 1, 5, x, 1, 5, 0, 6 और -1, 7 ये पहले इक्वेशन के है और दूसरे इक्वेशन के 1, -3, 0, -4 और -1, -5 इस तरीके से है. अब बहुत ही आसानी से इन ग्राफ इस पॉइंट को या कोऑर्डिनेट को हमारे ग्राफ पेपर पे मेंशन करना है, जिस तरीके से मैंने मेंशन किया है आप प्रॉपरली पॉइंट आउट कीजिए. ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और आप उस ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करके लाइन टू लाइन मेंशन करके इसका जो है पॉइंट आउट प्रॉपरली लेकर उसे एक जगह पे इंटरसेक्शन होता है और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमें मार्क करना है और वही हमारा फाइनल आंसर होगा उसे. अब इसका आंसर कितना आया, 5 एंड 1, तो इसके कोऑर्डिनेट का आंसर हुआ 5, 1. सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 2 के हमने पॉइंट लिए हैं, यहाँ पर भी मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, सेम कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, 1, 0, -1 और इसके कोऑर्डिनेट आए हैं 1, 4, 0, 5 और -6. सिमिलरली सेकंड के आए हैं 1, -2, 0, -3 एंड -1, -4. इट इज़ नॉट नेसेसरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो नंबर मैंने लिए है वही नंबर आपको लेना, ऐसा ज़रूरी नहीं है. बट
ये नंबर लेने से हमें कंफर्टेबिलिटी रहती है, इसलिए ऐसे छोटे नंबर ही मेंशन करने हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने जिस तरीके से मेंशन किया है, ग्राफ मेंशन करके मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, और इसका आंसर आता है 41। जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मेंशन करना है और उसको 41 इस तरीके से उसे शो ऑफ करना है। तो इस तरीके से आपके 3 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सिमिलरली थर्ड प्रॉब्लम भी सेम है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पॉइंट रखने हैं, और पॉइंट रख के उसका आंसरिंग निकालना है। जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से आपको इसको ट्राई करना है। आप दूसरे नंबर लेके भी ट्राई कर सकते हैं, आपका आंसर वही आता है। सिर्फ प्रॉपरली इस ग्राफ को मेंशन करना पड़ता है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने पर ही इसके आंसर प्रॉपरली मिलते हैं। जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के मेंशन करना है। अब इसका आंसर कितना आया है, 3 - 3। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर लाइक दैट, आपको उसी तरीके से नंबर लेने हैं जैसे मैंने लिए हैं 10-1। मैं अक्सर 10-1 ही यूज़ करता हूँ ताकि मुझे इजी पड़े, और इजीली इसके आंसर्स भी छोटे छोटे आते हैं, तो मुझे सॉल्व करने में या आप लोगों को सॉल्व करने में इसे कोई दिक्कत नहीं होती। छोटे नंबर रहने से कैलकुलेशन इजीली हो सकता है और तकलीफ़ भी नहीं होती। सिर्फ इतना है कि इसके पॉइंट जो है प्रॉपरली मेंशन ग्राफ पेपर पे होने चाहिए। अगर आप ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली मेंशन करोगे तो आपको आपके पूरे मार्क्स आपके कवर होगे। इसमें ऐसा ग्राफ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक भी मार्क नहीं काटा जा सकता, लेकिन अगर छोटी सी गलती हो गई तो यहाँ पर पूरे मार्क कट सकते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे अब देखिए -1 - 5, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है और यही हमारा आंसर है। अब प्रॉब्लम नंबर 5 देखेंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 5 इज लिटिल बिट डिफरेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x - 4y = -7 इस तरीके का नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो नंबर बॉक्स में लेते समय थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हमें कौन सा नंबर लेने से हमारा y का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो जैसे कि अब ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 4 से डिवाइड होता हो। अब ये 4 से डिवाइड होने वाला नंबर ढूंढने के लिए मैंने उसको पहले -1 पुटअप किया है, -5 पुटअप किया है, और 7 पुटअप किया है। अकॉर्डिंग टू दैट नंबर एंड दैट नंबर यू हैव टू बी ऑब्जर्व कि हमें ऐसा कौन सा नंबर लेना सूटेबल रहेगा जिससे वो कम्प्लीट डिविज़न हो। ओके, तो हम इसके आगे देखेंगे। जैसे मैंने पुट x = -1, 3 - -1 = -4y = -7, 3 - 1 = -3, -4y = -7, -4y अब इधर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन इट विल बी द माइनस विल गेट कैंसल एंड y = 4/4 = y = 1। इस तरीके से इसका पहला कोऑर्डिनेट होगा -1 and +1। बाद में हम x = -5 लेंगे, 3 - -5 = 15, -4y = 7, -7 अब इसको ट्रांसफ़र करने पर मुझे मिलता है +8, -8/-4 = -2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -5 - 2। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिया। अगर मैं यहाँ 0 लेता, 3 * 0 = 0 हो जाता, और 0 के बाद में 4 से मैं अगर 7 को डिवाइड करता तो 7 4 के टेबल में आता ही नहीं है और उसका आंसर डेसिमल में जाएगा, और डेसिमल में जाने से आपको उससे सॉल्व करने में तकलीफ़ होगी। इसलिए कुछ इस तरीके के नंबर सोचने चाहिए ताकि उससे कम्प्लीट डिविज़न हो सके और हमारा ग्राफ भी ईजीली बन सके। बाद में मैंने x = 7 पुट किया है, 7 * 3 = 21, -4y = -7, इधर में जब ट्रांसफ़र होता है तो 21 हो जाएगा, -- गेट कैंसल एंड इट विल बिकम बी 28/4 y = 7। तो अब इन दोनों का आंसर, इनके दोनों के कोऑर्डिनेट आते हैं 7 7। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा, प्रैक्टिस करने पर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो दूसरा इक्वेशन दिया है वो थोड़ा इससे आसान है, यहाँ पर भी थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना है और यहाँ पे सिर्फ
ये ध्यान में रखना है कि टू से नंबर होने वाले डिवाइड होने वाले नंबर कौन से है। तो मैंने पहले से टू मेंशन किया है, फिर ज़ीरो मेंशन किया है और फिर माइनस टू मेंशन किया है। जिस तरीके से मैंने पुट करने पर मुझे माइनस टेन मिला, माइनस टू और माइनस टेन का माइनस साइन कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू टेन डिवाइड बाई टू, दैट मीन्स वाई की वैल्यू फाइव, दैट मीन्स आवर कोऑर्डिनेट इज़ टू फाइव। देन ज़ीरो पुटअप करने पर मुझे ज़ीरो का कोई टेंशन नहीं है, ज़ीरो आने पर ज़ीरो ही आंसर आता है। और लास्ट में मैंने माइनस टू पुट किया है जिससे मुझे आंसर मिलता है माइनस फाइव। और इससे सभी नंबर कोऑर्डिनेट मेंशन करके इस तरीके से मैंने यहाँ मेंशन किया है जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, और इसका आंसर आता है 1, 1 और 2.5। इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है और आपको इस पे 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब लास्ट प्रॉब्लम बचा हुआ है, लास्ट प्रॉब्लम भी सेम अर्ली सॉल्व करना है अपने दिमाग को बराबर प्रॉपरली यूटिलाइज़ करके, कि इससे 30 से नंबर डिवाइड होने वाला कौन सा है। उस तरीके से हम मेंशन करेंगे, उस नंबर को वैल्यू पुट अप करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। जैसे पहले का आंसर निकला है 5, 2 और सेकंड का आंसर निकलता है -4, -4 और थर्ड कोऑर्डिनेट निकलता है 8, 4। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए जाना है और उस सॉल्यूशन को अपने ग्राफ पे मेंशन करना है। अब जो दूसरा बॉक्स है वो तो बहुत ही आसान है, जो दूसरा इक्वेशन है। ये क्वेश्चन अक्सर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, थोड़ा सा इसमें लेंदी प्रोसेस है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन ग्राफ अगर हम बराबर निकालते हैं तो ग्राफ के हमें 2 मार्क्स और इस सॉल्यूशन के 2 मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में 5, 3, 2, 2 और 11, 5 ये ऐसे नंबर लिए हैं ताकि मुझे प्रॉपरली आंसर मिल सके, और कोऑर्डिनेशन इस तरीके से मेंशन किए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने पर हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ इस तरीके से, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और इसका सॉल्यूशन आएगा 8, 4। इस तरीके से प्रॉपरली मेंशन करना है, यू गेट द आउट ऑफ मार्क्स नो डाउट इन दैट। ओके, उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ पेपर पे बार बार इसको रिवाइज़ कीजिए। जितने बार आप रिवाइज़ करोगे आपकी परफेक्शन उतना बढ़ेगा। कोशिश करती रहिए और अगर कुछ भी समस्या आती है तो जो मैंने नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा नंबर फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको, इस नंबर अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपका आपको इसमें कोई भी समस्या हो या कोई भी इशू है तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन इसका अवेलेबल करके दूंगा और समझा के भी दूंगा। ओके, थैंक यू।